बचपन से ही मैं इसका शौकीन हूँ। अच्छा, बचपन से शौकीन है जी। हाँ। पैदा भी लिए थे तो झंडे लेके। अच्छा, पैदा भी लिए थे तो झंडे लेके जी। ये वाला झंडा लेके पैदा लिए थे जी जी। देख रहे हैं कितना पुराना है। हाँ। यही वाला झंडा था। गजब ओ तरीके। देखे ये देखिए, दिखाए देखे। क्या नाम हुआ आपका? पगला बाबा। पगला बाबा जी। अच्छा, पगला बाबा का है नाम रखा हुआ है आपका जी? कि कोई भी काम हम करते हैं तो पागलपन के साथ करते हैं। लोग आपको पागल बोलते हैं? हम पागल नहीं होते, मेरा काम देख के लोग पागल हो जाते हैं। जैसे अभी आप लोग पागल हो रहे हैं मेरा बाल देख के। अरे अभी हम तरेतपाली मठ में हैं, जहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज आखिरी कथा है। और यहाँ पर जो है व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कैसा है, लेकिन बताइए कि टेंट के चारों तरफ पानी का भी व्यवस्था नहीं है। पानी के नाम पर देखिए यहाँ पर लोग पानी बेच रहे हैं। कहा यह गया था कि यहाँ पर रोज 1.5 लाख से 2 लाख तक लोग आएंगे, उन लोगों के लिए व्यवस्था होगा। पानी टैंकर एक तो है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर है। जब वही है तो लेकिन यहाँ पर भी लोग बेच ही रहे हैं। यहाँ पर है, वहाँ पर भी मारामारी है। क्या स्थिति है आप देख ही लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? बबलू सिंह। बबलू सिंह, पानी मिल रहा है? पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पे, पानी का व्यवस्था बहुत दिक्कत है यहाँ पे। यस, पानी मिल रहा है जी? पानी मिल रहा है। कैसे? फ्री में कि पैसा से? पैसा से मेरा फ्री में भी पैसा से मिलेगा। फ्री में मिल रहा है पानी के पैसा से? पैसा से पीना पड़ता है। यहाँ ये सभी लोग आए हैं, कितना में लिए हैं पानी? 10 रुपया में लिए हैं। 10 रुपया में? आप कितना में लिए? 10 रुपया लीटर बोल रहे हैं। 10 रुपया लीटर? आप जी? 20 रुपये मिलता है बेसलड़ी वाला। लेकिन कहा किया गया था, लोग ये हल्ला किए हुए थे कि यहाँ पर पीने के लिए व्यवस्था है, रोज 2.5 से 3 लाख लोग आएंगे लेकिन पानी का व्यवस्था आएगा। लेकिन देखिए ये लोग कर रहे हैं, हम तो बस दिखा रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में आपको प्यास तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप आएंगे गर्मी में, गर्मी में आएंगे तो पसीना शरीर से निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद आपको मजबूरन इस तरीके से यहाँ पर 10 रुपया 20 रुपये में पानी खरीदना पड़ेगा। पानी है? पानी नहीं है इधर। मिल रहा है पानी फ्री वाला? फ्री में कोई पानी मिल नहीं रहा है। फ्री में कहीं भी पानी नहीं मिलता है। पैसा लगा कर 20 रुपये दीजिए तब के बिस्लरी वाला पानी मिलेगा। जो उतना ऐसे भी फ्री वाला भी मिलना चाहिए ना? फ्री वाला तो कहाँ कोई मिल नहीं रहा है, टैंकर लगा हुआ है तो उधर लगा है। चलिए ठीक है, परेशानी तो होगा ही, लेकिन इनका एक बोतल पानी हम भी लिए हैं। 1 रुपया हुआ भैया पानी का? पानी सर आपका 5 रुपया सर। ये आरओ का पानी है, ठंडा पानी है, ठीक है, पानी है। हाँ, बोतल सहित लीजिएगा तो 10 रुपया, क्योंकि 5 रुपया का बोतल है, ठीक है। तो ये आप अपने तरफ से बेच रहे हैं? नहीं सर, हम तो स्टाफ हैं सर, हमको दिया गया है इतना, हमको दिया गया है आपको 1000 लीटर जोड़ के उसका हिसाब देना है हमको। अच्छा, 1 लीटर का हिसाब दे देना है? हाँ, बेचना है 1 लीटर। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ आप लगाए हैं ना? बस कोई काम नहीं था। 5 रुपया दे दो भाई, पानी लिया था। ठीक है, आपको 5 रुपया दे देते हैं रिपोर्टिंग करके। लेकिन देखिए बाकी इधर देखिए जो है किस तरीके से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं बाबा को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए किस तरीके से इस गर्मी में किस हालात में लोग हैं। सब लोग के हाथ में वो 10 रुपये वाला पंखा है जिसको डोला रहे हैं और पसीना को हटाने का, अपने फेस से सुखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गर्मी इतना है कि पसीना निकलना कम नहीं हो रहा है। बताइए, ये देखिए किस तरीके से लोग हैं। थोड़ा ऊपर करके दिखाइए कैमरा, कहाँ से हैं? अरवल जिला से। अरवल जिला? जगह नहीं मिल रहा है? आपका नाम मिले थे। देखिए कि कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, पूरा दम बहुत काफी भरा हुआ है ये पूरा टेंट लोगों से। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग हैं, जगह भी नहीं है, जाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा आपको। इतने सारे संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दूर से अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा तूफान आया हुआ है, इतना धूल आकाश में उड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिसको मैं दिखला रहा हूँ। बाकी आपको क्या कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दूर दूर से आए हुए हैं, इधर से जब बाबा पटना से चल दिए हैं उधर से आएंगे तो यहाँ इस तरीके से इधर में होते हुए अंदर जाएंगे स्टेज के पास। तो पहले रास्ते में ही लोग इस तरीके से खड़ा है कि एक बार देख लेंगे खड़े होंगे तो। के जरा इधर दिखाने दीजिए जी हमको भी, क्या है? क्या है, कबे से बैठल हैं? कबे से बैठल हैं?
आने दीजिए हमारे कैमरामैन को भी। तो बाबा इधर से ही जाएंगे और देखने के लिए यहाँ पर जो है दोनों साइड में लोग जो हैं खड़े हैं, वॉलंटियर भी हैं, इनको भी दिखलाइए भाई। कैमरामैन अभी आया बेचारा, बहुत भीड़ को किसी तरीके से चीरते हुए परेशानी में आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आप इतना सुरक्षा दे पा रहे हैं। हमारे साथ ये नीतीश, क्या नाम है जी? नीतीश कुमार है। इनका एक हाथ नहीं है, कैसे ये जन्म से ही है, लेकिन फिर भी ये सेवा देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। थोड़ा सा अलग तरह के, देखिए हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और इस तरीके का ये थोड़ा अलग दिख रहे हैं। कहाँ से आए हैं जी? मैं नवादा से आया हूँ सर। नवादा से जी। अच्छा, और ये झंडा लिए हुए हैं आप? जी, बचपन से ही मैं इसका शौकीन हूँ। अच्छा, बचपन से शौकीन है जी। हाँ। पैदा भी लिए थे तो झंडे लेके। अच्छा, पैदा भी लिए थे तो झंडे लेके जी। ये वाला झंडा लेके पैदा लिए थे? जी जी, देख रहे हैं कितना पुराना है। हाँ, यही वाला झंडा था? नहीं सर, उस समय दूसरा झंडा था। आप बोल रहे कि देख रहे हैं कितना पुराना है, ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि जितना पुराना आप है वैसे झंडा भी पुराना है जी। चलिए, तिरंगा झंडा को अपना तिरंगा लेकर पैदा हुए थे, तिरंगा के साथ पैदा हुए थे, तो खुद ही बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे मत अपमान कीजिए हमारा। हाँ, और बाल का डिजाइन दो, देखिए दिखा दीजिए बाबा, गजब ओ तरीके। देखिए ये देखिए, दिखाए देखिए बाबा का, तो ये एकदम देख रहे हैं ना ये देखिए, ये पूरा ओम बनवाए हुए हैं। थोड़ा सा इनको क्या नाम हुआ आपका? पगला बाबा जी। अच्छा, पगला बाबा का है नाम रखा हुआ है यहाँ पर जी, कि कोई भी काम हम करते हैं तो पागलपन के साथ करते हैं। लोग आपको पागल बोलते हैं? हम पागल नहीं होते, मेरा काम देख के लोग पागल हो जाते हैं, जैसे अभी आप लोग पागल हो रहे हैं मेरा बाल देख के। अरे बाबा, तो ये देखिए। अच्छा, ये बताइए कि आप नालंदा में कहाँ रहते हैं? नवादा में रहते हैं सर। नवादा में कहाँ रहते हैं? नवादा में गांधी इंटर स्कूल के सामने मेरा एक स्वीट्स का दुकान है, और संकट मोचन अग्रवाल पेट्रोल पंप के सामने मेरा एक होटल और रिसोर्ट भी है। हाँ। जी हाँ, वो देख सकते हैं, नवादा का यूनिक चीज बनाए हैं। हाँ। जी क्या बात है, तो आप जाइए वहाँ पर तो ये मिल जाएंगे पगला बाबा। चलिए, मेरा चाय भी बनाते हैं बाबा, बागेश्वर बाबा चाय का बड़ा शौकीन है, धीरेन्द्र शास्त्री जी। हाँ। और वो अदरक की चाय पीते हैं। हाँ। और हम 40 तरह का चाय बनाते हैं। चाय लेके आए हैं? नहीं, ये तो लेके नहीं आए हैं, वो वहाँ पे आप मिल जाएगा, नवादा में रेस्टोरेंट में मेरा मिलता है। बाबा के पास अर्जी लगवाए हैं क्या? नहीं, बाबा के पास तो अर्जी नहीं लगवाए हैं, लेकिन बाबा के लिए कुछ तोहफा लेके आए थे। लेके आए थे? दिखाइए। बाबा के लिए देखिए कुछ तोहफा लेके आए हैं, बड़ा प्रेम से जो है इसको बनाए हैं। पहले अपना ही पहन लीजिएगा, दूसरा लाए होंगे बाबा के लिए। बाबा के झंड वाला यहाँ पकड़ लेते हैं। बाबा के लिए दूसरा है जी, मोर वाला है। देखिए बाबा के लिए पगड़ी है, अरे गमछी है, और ये मेरा मिठाई है, मेरा मिठाई दुकान है। हाँ। और वो मिठाई लेके आए हैं पकरी बरामा का। हाँ, ये मिठाई है, बारा मिठाई इसको बोलते हैं, बालूशाही जिसको बोलते हैं। हाँ। जी हाँ, वहाँ का प्रसिद्ध मिठाई है नवादा जिला का। तो ये जो मिठाइयाँ लाए होंगे तो इसमें तो मिलावट नहीं है किए होंगे? हम किसी में भी मिलावट नहीं करते हैं। वहाँ वाला में करते होंगे? नहीं करते हैं, सच्चाई बस वही तो है, सत्य और सनातन। सर पर तिरंगा वाला टोपी पहने हुए हैं। देखिए बाबा आ गए, देखिए लगातार मैं आपको यहाँ से दिखलाते रहूंगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ पटना के तरेत से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।